देश त्राही त्राही कर रहा है, देश त्राही त्राही करेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सुविधाएं आपको दी, आप उन सुविधाओं को लेकर बीबी और टीवीओं में मस्त हो गए। जब तक आप सड़क पर नहीं उतरोगे, आप मोबाइल में ही टिप टिप करते रहोगे उंगलियों से, तो उस तरीके से आपका संघर्ष पूरा नहीं होता है। तभी पूरा होगा जब हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जो तथाकथित, हम तो उसको तथाकथित सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जब तक जुडिशरी सर्विस नहीं लागू होगी इस देश में, जब तक शोषितों को, वंचितों को और अपने जो इनको वो नहीं मिल पाएगा, इनको न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो कॉलेजियम की जो व्यवस्था है इस देश में, कॉलेजियम की व्यवस्था के तहत जो जज का बेटा जज ही बनना है, एक एडवोकेट जिसने कभी संविधान नहीं पढ़ा उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है, उसको हाई कोर्ट का जस्टिस बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया जाता है। हम कहते हैं जब तक हम सड़क पर ना उतरें, जब तक हम अपने वोट का अधिकार नहीं दें, जब बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार को आप एक बोतल में और मुर्गे की टांग में बेच देते हो, तो जब तक कैसे होगा। हमें अपने वोट का अधिकार लेना पड़ेगा, और बाबा साहब ने जो बताया है हमको, क्योंकि बाबा साहब की हम बाबा साहब को तो मानते हैं, बहुत अच्छी तरह मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन बाबा साहब की हम नहीं मानते। हमें बाबा साहब की बात माननी चाहिए। बाबा साहब की जब तक हम बात नहीं मानेंगे, जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा, चाहे वो कोई सी पार्टी आ जाए, पार्टी को भी हमने देखना पड़ेगा। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा अपने स्वार्थ की बात करती है, आपकी बात करें आप अपने स्वार्थ की बात करती है, किसी MP MLA के पास जाओ वो ये क्लियर कहता है कि मैं तुम्हारे वोटों से नहीं आया। हम कहते हैं उस मामा से पूछते हैं कि तू हमारी वोटों से नहीं आया तो तू जनरल सीट से लड़के देख ले, और तू MLA और MP बन के दिखा दे, तब बताएंगे कि तू जनरल सीट से आया है कि नहीं आया। आपके हिसाब से आज के टाइम में सबसे उभरता दलित चेहरा कौन सा? नहीं, आज के हिसाब से अगर हम माने जाए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर जो मुहिम चलाई थी उस मुहिम को आगे करने का काम जो मान्यवर काशीराम जी ने किया, और काशीराम जी ने पूरे समाज को जगाया, OBC को भी जगाया, SC को भी जगाया, ST को भी जगाया, माइनॉरिटी को भी जगाया, तो उभरता चेहरा तो हम जब हम ढूंढेंगे, उभरता चेहरा हम कहाँ देख रहे हैं? हम तो छोटे मोटे लालच में देख रहे हैं कि मेरे भाई को कोई नौकरी मिल जाए, मेरी बीवी को कोई नौकरी मिल जाए, मेरे भतीजे को कोई नौकरी मिल जाए, तो मैं भाजपा के गुण गाता हूँ, मैं आपके गुण गाता हूँ। देखिए, आपकी जो बात कर रहे हैं, हम तो दलितों की बात कर रहे हैं। दलितों के लिए कौन सी पार्टी ने काम किया आज के टाइम में? मुझे तो नहीं लगता कि एक दलितों की पार्टी, दलितों के लिए एक पार्टी काम कर रही है। सर, 2 अप्रैल का जो आंदोलन रहा है वो उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जो 2 अप्रैल के जो 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपने SC ST आया, अब उसको लॉ को उन्होंने डाइल्यूट किया, 2 अप्रैल का जो वो था आंदोलन, वो आंदोलन नहीं था, वो जन आंदोलन था, वो किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था। उसमें सभी लोगों का एक तन और मन और धन से वो रोडों पे आए थे और शांतिपूर्वक आए थे। कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, और गाजियाबाद और UP आपके बिल्कुल बराबर में है, और वहाँ से हजारों युवा अभी भी जेल में बंद है, क्या एक युवा को भी आप जेल से छुड़ा पाएंगे क्या? नहीं, वही हम बात कर रहे हैं कि हमें जो युवा जेल में है, हमें सरकार पर, दिल्ली सरकार पर या उत्तर प्रदेश सरकार पर, हमें हमारे संगठनों को हमें दबाव बनाना पड़ेगा कि भाई इनको छोड़ो, क्योंकि वहाँ ऐसा हुआ है, मैंने कई केस ऐसे देखे हैं, उन्होंने जबरदस्ती, वो केस में नहीं थे, वो धरना पैदा में नहीं थे, लेकिन उनके साथ एक्ट लगा के उनको बंद किया गया है। और मुझे कहने में संकोच भी नहीं होगा, जहाँ जहाँ भाजपा सरकार की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं इस इंडिया में, वहाँ वहाँ हमारे दलित भाइयों के अत्याचार सबसे ज़्यादा हुआ है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर
उत्तर प्रदेश हो, कोई सा प्रदेश हो, इनमें सब में सबसे ज्यादा अत्याचार भाजपा सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। जो सर, दो अप्रैल का जो घटना थी उसके बाद में जसपा नाम की एक आपका संगठन है जफा ने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अन्य जो संबंधित मंत्री हैं उनको आपने ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन पे कितना अमल हुआ और क्या कार्रवाई हुई? जब वो जो डायल्यूट करने की बात आई तो हमारा जो जफा जो यहाँ बना, इसी स्थल पर बना, इसी परमिशन में बना, GTB के परमिशन में बना, और इसका काम था कि भाई SC ST के साथ एम्प्लॉई हो या कोई भी आदमी हो उसके साथ अनजस्टिस होता है, एट्रोसिटी होती है, हम उसके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। हमने 27 मार्च को हमने उसको राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और मंत्रियों को और यहाँ तक चेयरमैन SC और ST इनको सबको लेटर दिए। लेकिन आज क्योंकि ये जो सरकारें हैं, आज जो सरकारें हैं ये मनुवादी सरकारें हैं, हमें इनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब से आज तक हमें कोई उसका जवाब नहीं मिला है, हम उसका रिमाइंडर दे रहे हैं और रिमाइंडर देने के बाद फिर इस मुहिम को और आगे आप लोगों के सहयोग से इस मुहिम को आगे चलाएंगे। अगर इन्होंने, क्योंकि अभी 17 तारीख का भी एक मसला आया है, 17 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, जो 29 सितंबर को जो स्टे लगाया था आरक्षण पर, और DOPT ने उसको 30 तारीख को तुरंत लागू कर दिया था, जबकि 4:30 बजे सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है, और 30 तारीख को दूसरे दिन, जबकि सर्टिफाई कॉपी आप देखें, किसी की कोर्ट में जाएं, लोअर कोर्ट में चले जाएं, चाहे हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, कम से कम 8-10 दिन लगते हैं सर्टिफाई कॉपी लेने में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो कॉपी किस हालातों में ली? क्या गौतम जी आपको नहीं लगता आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? आप मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं इस व्यवस्था का कुपोषित हूँ, मेरे साथ ये व्यवस्था, मुझे मालूम है कि हमारे SC ST एम्प्लॉयज के साथ और लोगों के साथ क्या हो रहा है। मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूँ, व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमने जफा के माध्यम से राष्ट्रपति को लेटर दिया, अभी ये 17 मई वाला, कि भाई अभी तक DOPT ने कोई ऐसा आदेश नहीं जारी किया है जो बाबा जो सरकारी कर्मचारी थे उनको जो डिमोट किया गया था उनको अभी दोबारा से लागू किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, और रोस्टर व्यवस्था और सीनियरिटी के लिए आज तक DOPT ने आज ऑर्डर नहीं निकाला।